गोरखपुर जनपद सहित अन्य जनपदों में झारखंड की रहने वाली महिला भीख मांगने के बहाने लोगों के घर में घुसकर कीमती मोबाइल सहित अन्य कीमती सामानों को लेकर फरार होने जाने वाली महिला की करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। गोलरिहा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की शिनाख्त करते हुए मोगलहा पेट्रोल पंप के पास से महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार महिला के पास से चोरी की 26 मोबाइल बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख की बताई जा रही है। मंगलवार को गोलरिहा थाने पर घटना का खुलासा करते हुए सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 27 फरवरी को विजय प्रताप मौर्य पुत्र स्वर्गीय राम अवध मौर्य निवासी संध्या विहार कॉलोनी ने घर में घुसकर 5 मोबाइल चोरी होने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके खुलासे के लिए टीम को लगाया गया था। गोलरिहा थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार क्षेत्र के मामूर थे, तभी सूचना मिली कि एक महिला झोले में बड़ी संख्या में मोबाइल लिए हुए उसे नेपाल ले जाकर बेचने की फिराक में है। सूचना पर मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक रामकेश, उप निरीक्षक दुर्गेश सिंह, उप निरीक्षक अजय कुमार वर्मा, हेड कांस्टेबल कामेश्वर दुबे, कांस्टेबल राजीव यादव और महिला कांस्टेबल रंजू मिश्रा ने घेराबंदी करके महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से झोले में 26 मोबाइल मिले हैं, जिसमें 5 मोबाइल गुलरिहा थाने पर दर्ज मुकदमे में हैं और 21 अन्य गोरखपुर व अन्य जनपदों के घर में घुसकर मोबाइल चोरी की घटना को कारित किया गया है। पूछताछ के दौरान पकड़ी गई महिला झारखंड के जादूगोरा की रहने वाली डोबरी सोबर पुत्री नसी सोबर पत्नी पिंटू राव बताया गया है। महिला को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और बरामद 26 मोबाइल में से 16 की शिनाख्त कर ली गई है, 10 मोबाइल की शिनाख्त करनी बाकी है, जिन्हें उनके स्वामी को सुपुर्द कर दिया जाए। खुलासे के दौरान गोलरिहा थाना प्रभारी निरीक्षक रवि राय भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने कहा, नहीं ये तो वो गाड़ी हम लोग तो राय कहाँ गए हैं सर, देखिए मत कर जाने का मोबाइल अगर वो भी आया होता अगली बार से ये ना दिया जाए उसका, तो आप कह रहे थे जल न दे दी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 27/2 को विजय प्रताप मौर्य का एक मोबाइल मुगलहा में गायब हो गया था, जिसके उसमें उन्होंने थाने पे आकर के सूचना दिया था। उसके क्रम में एक इंस्पेक्टर साहब ने एक टीम भेजा और उसके जांच के बाद वहां सीसीटीवी फुटेज से देखा गया एक महिला और बच्चे को ली हुई थी, जिसके क्रम में काफ़ी छानबीन करने के बाद आज दिनांक 2 तारीख को लगभग 6-10 बजे पुनः वहाँ टीम गई थी तो एक उस महिला को वहाँ पकड़ा गया और उससे जब पूछताछ की गई तो एक झोले में 26 मोबाइल
मिले हैं जो लगभग 4 लाख रुपए की कीमत के बताए जा रहे हैं, और जिसमें से 16 मोबाइल वो पता भी कर लिए गए हैं कि वो किसके हैं। ये महिलाएं गाड़ी में आते जाते, जैसे ऑटो है या बस है, उसमें महिलाओं के अगल बगल बैठ जाते थे, या कोई मार्केट में जाते थे तो और सब्जी खरीदने या किसी मार्केटिंग करने जाते थे तो उस समय जेब से ये झुकने पे जैसे सब्जी खरीदने लगे और उधर ध्यान केंद्रित रहा तो वो ये जेब से निकाल लेते थे। मुगला ये महिला की गिरफ्तारी 6-10 दिन मुगला से गिरफ्तारी इनकी। अभी जांच पड़ताल उसकी की जा रही है। 8 मोबाइल इन्होंने घर में घुस करके चुराया था, बाकी और ऐसे आते जाते और 8 तो घर से घुस करके इन्होंने चोरी किया। इनका एक टीम है, वो टीम जो कहीं अन्य अन्य जगहों पे ऐसे रह करके इस तरह से अंजाम देते हैं। रहने वाले झारखंड की है और इसका नाम डोली सोबर, पुत्री नशी सोबर, पत्नी बिट्टू राव, निवासी ग्राम जादूगोरा, थाना जादूगोरा, गेट बाजार, स्टेशन राखा, माइंस, जनपद पूर्वी सिंह, भूम झारखंड के रहने वाली है। ये यहाँ के रहती है परिवार के साथ? अब परिवार के जो पकड़ी गई है अभी तो यही, अभी उसको जांच किया जा रहा है, देखते हैं कि उनके पीछे और कौन लोग हैं, वो विवेचना में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा।